तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो मेरे हिसाब से आप सब बढ़िया होगे। तो गाइज, आज न्यू ईयर का पहला दिन का रैंक पुश में कर रहा था, तो रैंक पुश के बारे में आज वीडियो में बनाने वाला हूँ। और रैंक पुश में भी मैं रीजन में टॉप में ग्लोबल प्लेयर भी बन चुका हूँ गाइज। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे होप। तो गाइज जो भी बंदा पहले आता है मेरा चैनल में वीडियो देखने के लिए, तो जरूर लाइक कर देना। लाइक करके सब्सक्राइब करके उसके बाद बेल नोटिफिकेशन को हमेशा में डाल देना गाइज। तो गाइज चलिए, हमारा आज रैंक पुश का पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, इस सीजन में क्या क्या हुआ था, क्या क्या न्यू मटेरियल आया है फ्री फायर में। तो चलिए गाइज अभी वीडियो को स्टार्ट करें। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम आज रीजन में आ चुके हैं आपकी सपोर्ट और आपकी प्यार के लिए। और गाइज बहुत भी मेहनत लगा था मेरे को। तो गाइज जितना भी मेहनत नहीं लगा तो आपका प्यार है ना, तो मेरा मेहनत का कोई वैल्यू ही नहीं बढ़ता है। तो मेरे को फील नहीं होता है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ जिसमें कि आपको सपोर्ट चाहिए और आपका एनकरेज चाहिए मेरे को। तो गाइज फाइनली हम अभी 60 रीजन नंबर रीजन में हूँ। आप भी स्क्रीन शॉट देख सकते हो कि हमारा डिस्प्ले हो रहा है। और फाइनली हमको 2 दिन लग गया रीजन जाने के लिए, क्योंकि ना इस बार हमारा जो रैंक सीजन चल रहा था वो मेरा पूरा कस्टम मतलब पूरा चेंज कर दिया रैंक सीजन, मतलब पूरा टाइप भी बदल दिया है। मतलब आपको एक दिन लगातार रात में खेलने के ग्रैंड मास्टर जाने के लिए या रीजन जाने के लिए, अभी तो गाइज 2 दिन लग जाता है, क्योंकि ना 6000 स्कोर में ही हमको रीजन दिखा रहा है, शो कर रहा है। और गाइज मेरे सोचा था कि 6000 स्कोर, बट फाइनली मैं जब देखा कि 5600 से रीजन हो गया था हमारा ज्ञानरति भाई का, तो फिर मैं देखा कि मेरे को भी हो जाएगा और 6 घंटे के अंदर, क्योंकि मैं सुबह देखा था ना, तो सुबह मेरा 5000 हो जाता था। फाइनली मेरा कल 4 बजे मेरा हो गया था रीजन गाइज। और मेरे को भी बहुत खुश लगा कि मैं फाइनली इतना मेहनत करने के बाद रीजन आ चुका हूँ। और गाइस जो भी दोस्त लोग मेरे को सपोर्ट किया इस बार रीजन जाने के लिए, तो उनका भी नाम मैं इस वीडियो में नहीं बोलने वाला हूँ, कि उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, कि मेरा रैंक पुश स्टोरी आएगा। और गाइस ये ध्यान से रख लो कि ये मेरा लास्ट सीजन है ग्रैंड मास्टर जाने के लिए। और आपको लगता है कि मैं ग्रैंड रैंक पुशर नहीं हूँ, तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखो 2 महीने के बाद। तो सारा सीजन मैं पहला दिन ही रीजन में रहता हूँ और इस बार भी हूँ। तो गाइस मैं फाइनली ये बोलना चाहूँगा कि जो भी बंदा देख रहे हो कि वीडियो में जल्दी 100 लाइक कंप्लीट कर देना। 100 लाइक कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट में लेके आ चुके हैं कि हमारा रैंक पुश स्टोरी, कि कौन सा बंदा मेरे को हेल्प किया और कैसे टाइप के बंदे थे वो। तो फाइनली गाइस मैं यही बोलना चाहूँगा अभी कि हम जो आज इस सीजन जो रीजन गया, तो हमारा एक स्क्वाड का नाम था, वो स्क्वाड का नाम क्या है, नाड़ुआ गोष्ठी, ठीक है, बोले तो नाड़ुआ, ठीक है। तो फ्री फायर में हमारा स्क्वाड के जो लीजेंड प्लेयर है, तो उनका नाम बोलता हूँ पहले, तो उन वो भी तो ग्रैंड मास्टर चले जाएंगे, तो वीडियो में पहले बना दिया था, तो इनका मैं नहीं दिखा पाया ग्रैंड मास्टर में है कि नहीं। तो उनका नाम है पहले ओडी गुंडा, जो ओडिशा का लीजेंड कस्टम प्लेयर 1v4 प्लस में उनका बहुत नाम है। और सेकंड में हमारा ओडी शुभेंदु भाई, और थर्ड में हमारा जेकेम भाई। तो जेकेम भाई तो बड़ा भाई है, इनको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। फिर बाकी दो मेरे भाई है, जो गुंडा भाई और शुभेंदु भाई, ये हमारा नालुआ गोष्ठी है, और जेकेम भाई को बात दे दूंगा, जेकेम भाई मेरे से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हमारा जो मज़ा लेने के लिए, तो आपको वीडियो देखना चाहिए तो ऐसे वीडियो आते जाते रहेगा हमारे चैनल में। तो गाइज प्लीज़ 3K टारगेट मेरा कंप्लीट कर दो जल्दी जल्दी जितना भी हो सकते हो। और फाइनली हमारा इस सीजन भी 79 लेवल भी पूरा हो चुका है, अब भी देख सकते हो, चेक भी कर सकते हो, डिस्प्ले भी हो रहा है अभी। तो गाइज फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि ओडिशा का पहले मैं सेकंड में ग्रैंड मास्टर में रीजन में एंट्री किया, और मेरे पहले से एक भाई मेरा जो बड़ा भाई है, जो शेखर भाई, वो पहले रीजन में एंट्री कर सकते हैं, आप भी देख सकते हो, रीजन में जाके चेक कर सकते हो। तो गाइज काल में बहुत खुश हो गया था कि इतने मेहनत के बाद मैं रीजन में आके पहुँच चुका हूँ। तो गाइज चलिए अभी थोड़ा चेक करते हैं हमारा इस बार रैंक में क्या क्या चेंज दिया। तो चलिए गाइज देखते हैं अभी रैंक का चेंज क्या है। तो गाइज फाइनली आप अभी देख सकते हो ग्रैंड मास्टर को 4 में डिवाइड हुआ था, अभी 5 में डिवाइडेड हो गया। पहले मास्टर ग्रैंड मास्टर 1, ग्रैंड मास्टर 2, ग्रैंड मास्टर 3, ग्रैंड मास्टर IB, ग्रैंड मास्टर B, मतलब सबको बैनर का थोड़ा सा एनिमेशन चेंजेस होगा, और बाकी अवतार सबको सेम रहेगा और 2 महीने तक रहेगा गाइज। तो गाइज आप भी अभी देख सकते हो कि आप भी पुश करके भी ग्रैंड मास्टर जा भी सकते हो, अभी भी से भी पुश करना स्टार्ट करे तो। और गाइज आप अभी देख सकते हो हमारा भी ग्रैंड मास्टर हूँ, अभी लॉबी में दिखा रहा हूँ आपको। और उसके साथ आप मेरा प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, हमारा KDRED.com था ओनली
5K रेट था और उसके साथ हेडसेट भी 20 का था, क्योंकि ना पहला दिन अच्छा सा बंदा आता है, अच्छा सा लवी आता है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ हमको लोगों के मेंटेन करने के लिए हमारा प्रोफाइल। तो कोई नहीं, हम वापस में आपको अच्छा स्केडी वाला दिखा लेंगे। तो गाइज पहले मैं ये बताने वाला हूँ इस सीजन क्या हुआ था, कि हमारा एक ग्लीच हुआ था, जो बंदे ग्रुप डिसबॉल कर देगा पहला दिन तो उनका मैच नहीं लगा था, तो मेरा लगा था, मेरा लॉक साथ दिया, तो मैं आज इतना बड़ा आ चुका हूँ। और गाइज जो भी बंदे के लिए मतलब पूछ छोड़ दिया तो उनके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, और गरीना ने ये करना नहीं चाहिए था। तो फाइनली आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो मैं अभी रीजन में हूँ, तो रीजन का कितना नंबर में हूँ वो भी दिखा सकता हूँ। तो देखो गाइज मैं अभी कितना 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 73 नंबर में हूँ, शायद 73 नंबर में हूँ गाइज। और फाइनली तो आपका ऐसे ही सपोर्ट दो, प्यार दो, तो हमको बहुत आगे लेके जा पाएगा। तो गाइज यही था मेरा वीडियो रैंक पुश का, तो उड़ीसा में कौन आगे गया पीछे गया वो तो आपको पता चल गया। तो गाइज चलिए अभी वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेरा स्टोरी के साथ। तो गाइज जल्दी मेरा हो, अब जल्दी से जाके हमारा 100 लाइक कंप्लीट कर देना गाइज। तो चलिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा।